नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां, इस वीडियो को राजद ने भी अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया है और बिहार सरकार पर हमला बोला है। साथ ही साथ रेणु देवी पर हमला बोला है और उनके भाई को क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। तो राजद ने लिखा है, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई रवि प्रसाद को उप मुख्यमंत्री पद की गर्मी पच नहीं रही है, दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है श्रीमान पर राजकीय धृतराष्ट्र नीतीश कुमार की हिम्मत कहाँ लगाम लगाने की। जीवन के अंतिम पड़ाव में कैसे भी लेट घसीट रेंग चाहे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। बेतिया में एक दुकानदार सड़क छाप गुंडे रवि प्रसाद के लिए खड़ा क्या नहीं हुआ, मवाली रवि ने दे दनादन कर दिया। जी हाँ, थप्पड़ मार दिया। ये जो वीडियो है ये 2 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जिसे राजद की तरफ से अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया है और रवि प्रसाद को मवाली तक बता दिया गया है। रवि प्रसाद, आपको बता दें कि रेणु देवी, जी हाँ, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई है। दरअसल कल भी एक खबर सामने आई थी कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि प्रसाद उर्फ पिन्नू पर राजधानी पटना के पटेल नगर में करोड़ों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। जमीन मालिक ने सीएम से लेकर तमाम आला अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र में कहा कि डिप्टी सीएम के भाई पिन्नू हथियार से लैस होकर पूरे अमले के साथ उनकी जमीन पर पहुंचे और कब्जा करने की कोशिश की। जब जमीन मालिक ने विरोध किया तो पिन्नू ने कहा कि इसे उठाकर डिप्टी सीएम आवास ले चलो। ये वही पिन्नू है, जी हाँ, जिसका वीडियो राजद ने वायरल किया है। राजद की तरफ से अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से वायरल किया गया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले रवि प्रसाद के द्वारा बेतिया के एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए बर्बर पिटाई की गई क्योंकि वह उसके स्वागत में खड़ा नहीं हुआ था। वैसे डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि उन्होंने अपने भाई से काफ़ी पहले संबंध तोड़ रखा है। जी हाँ, इस तरह से रेणु देवी सफाई पेश करती नजर आई, लेकिन राजद हमलावर हो गया है। जी हाँ, राजद ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर रवि प्रसाद का जो ये वीडियो है, 2 साल पुराना वीडियो, वो शेयर किया है और राजद की तरफ से रवि प्रसाद को गुंडा मवाली तक कह दिया गया है। नीतीश कुमार पर भी हमला बोला गया है। अब देखने वाली बात होगी कि डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो इसके खिलाफ क्या कुछ फैसला लिया जाता है प्रशासन की तरफ से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।